नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान मंत्रिमंडल से। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी की वजह से जनता बहुत ज्यादा नाराज है। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह से जनता परेशान भी है। फिलहाल अगर बात करें राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार में जो देरी हो रही है, इस पर अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सोनिया गांधी पर भी खड़े हो रहे हैं, सवाल अशोक गहलोत पर भी खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों हुई है। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनके जो मंत्री हैं उनको ज्यादा जगह मंत्रिमंडल में दिया जाए, लेकिन सचिन पायलट इसके खिलाफ है। सचिन पायलट का कहना है कि वो इतने वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनके जो समर्थक हैं, विधायक हैं, वो शुरू से पार्टी के लिए काम करते नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब की बार मौका उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि सोनिया गांधी यहाँ पर कुछ बोलती नजर नहीं आ रही है। सोनिया गांधी स्थितियों को समझ रही है क्योंकि वो देख रही है कि यहाँ पर मुश्किल पेज फंसा हुआ है। ना वो सचिन पायलट को कुछ बोल सकती है, ना अशोक गहलोत को कुछ बोल सकती है, लेकिन काम आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है। गहलोत को मनाया जा रहा है, गहलोत को समझाया बुझाया जा रहा है, और अगर गहलोत मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पार्टी आलाकमान अगला क्या कदम उठाएगी ये तो वक्त तय करेगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार में सचिन पायलट के 10 मंत्रियों को बड़ी जगह देने की बात कही जा रही है। यानी कि राजस्थान मंत्रिमंडल में सचिन पायलट के 10 मंत्रियों को बड़ी जगह देना, ये बताता है कि फिलहाल सचिन पायलट पर मेहरबान हो चुकी है सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका। क्योंकि कुछ समय पहले ये देखने को मिला था कि राहुल और प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा ऐलान किया था। दरअसल राहुल और सोनिया गांधी ये बात जानते हैं कि सचिन पायलट युवा हैं, पार्टी में इतने वर्षों के साथ जुड़े हैं, उनके समर्थक बहुत काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, तो यहाँ पर स्थिति ये है कि फिलहाल सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। देखिए, हर नेता ये चाहता है कि पार्टी में उसे बड़ी जिम्मेदारी मिले, और सचिन पायलट जैसा नेता तो शायद कांग्रेस पार्टी के पास है ही नहीं, क्योंकि सचिन पायलट युवा हैं, उनकी लोकप्रियता केवल राजस्थान तक सीमित नहीं, पूरे देश में है, जनता उन्हें सुनने के लिए आती है, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ दिखती नजर आती है। तो यहाँ पर फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो मौजूदा समय की जो स्थितियाँ हैं वो ये जरूर इशारा करती हैं कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा जो फायदा है ना वो सचिन पायलट को मिलेगा। देखिए, कहते हैं कि सब्र से काम लेना चाहिए, और जो सब्र से काम लेता है उसके लिए समय अच्छा होता है, जो सब्र से काम लेता है उसके लिए चीजें अच्छी दिखती नजर आती है। तो हाल फिलहाल की अगर बात करें तो वाकई में आने वाले समय में सचिन पायलट को चीजें अच्छी दिखती नजर आ रही है। सचिन पायलट के समर्थन में काफी हद तक बदलाव दिखता नजर आ रहा है। वैसे यहाँ पर जो सचिन पायलट है उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी, क्या राजस्थान में मिलेगी या उत्तर प्रदेश में मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, और अगले साल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने एड़ी चोटी का जो जोर लगाया है, ये जोर बताता है कि वाकई में इस वक्त प्रियंका गांधी चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के काम कर रही हैं। इस वक्त प्रियंका गांधी ये पूरी रणनीति बना रही हैं कि चुनाव जीतने के लिए हर एक दावपेच का इस्तेमाल किया जाए। तभी तो उन्होंने हाल ही में कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी, और तो और लगातार प्रियंका गांधी जनता के साथ जुड़ती चली जा रही है। प्रियंका गांधी का जनता के साथ जुड़ना, प्रियंका गांधी का जनता के साथ लगाव, तो ये चीजें बताती है कि वाकई में बहुत हद तक बदलाव हो रहा है, बहुत हद तक चीजें अलग होती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो राजस्थान में पेच फंसा हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक पेच फंसा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही है। प्रियंका गांधी बहुत सोच समझ कर कदम उठा रही है, क्योंकि एक एक कदम उनका बहुत कुछ बताता है। तो यहाँ पर जो सियासी कदम उठाए जा रहे हैं, सियासी रणनीतियां बनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यही रणनीतियां, यही कदम देखकर तो डरी हुई है, जी हाँ, बीजेपी। तभी तो उत्तर प्रदेश में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह का दौरा, आने वाले समय में कई बड़े बीजेपी नेताओं का दौरा हो सकता है। तो यहाँ पर अकेली प्रियंका गांधी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी की फौज चल पड़ी है, तमाम तरह से अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी काम करे, लेकिन शायद अब जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, शायद अब जनता बीजेपी को अलग करती नजर आ रही है, क्योंकि जनता ये देख रही है कि वो
बीजेपी के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी केवल और केवल कुछ मुद्दों पर बात करती है, युवाओं पर बात नहीं करती, उत्तर प्रदेश के हालातों पर बात नहीं किया जाता, और खास तौर पर योगी सरकार उत्तर प्रदेश के स्थितियों को संभालने में पूरी तरह फेल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आने वाले समय में बहुत हद तक चीजें अलग होती नजर आ रही है, बहुत बड़े हद तक बदलाव होता नजर आ रहा है। क्या कुछ आने वाले समय में अपडेट रहेगा, यह हम लगातार जानकारियां बताते रहेंगे। लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बदलाव हुआ है ना, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां बदली है ना, ये ही जो नीतियां हैं, तो ये बताता है कि फिलहाल वाकई आने वाले समय की स्थितियों में बदलाव होना, आने वाले समय में चीजों का बदलना ही बहुत कुछ बताता है। वैसे हमको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि फिलहाल प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन जिम्मेदारियों को संभाल रखा है, जिस तरह से वो काम करती नजर आ रही है, इसका साफ मतलब ये है कि प्रियंका गांधी ये समझ चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती क्या। तभी तो देखिए देखने को मिला कि प्रियंका गांधी बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी काफिले के सीधा ट्रेन से सफर करती नजर आई, ट्रेन में सफर किया, लोगों से बातचीत की, लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई, उनकी समस्याओं को जाना। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शायद ऐसा कुछ नहीं किया होगा। आपने भी देखा होगा कि बीजेपी का कोई भी मंत्री या कोई भी नेता हो जो ट्रेन से ऐसा सफर नहीं किया हो। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सुरक्षा की बात होती है, लेकिन प्रियंका गांधी को पता है जनता से डरने की जरूरत नहीं है, जनता उनकी अपनी है और वो जनता के लिए काम कर रही है, जनता उन पर भरोसा भी कर रही है। तो ये एक विश्वास होता है जो जनता और नेता के बीच बनता है, और यही विश्वास प्रियंका गांधी ने बनाया, इसी विश्वास पर कांग्रेस पार्टी अब आगे चल रही है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले जो तस्वीरें आ रही हैं, यही जो तस्वीर है, ये इस ओर इशारा कर रही है कि वाकई आने वाले समय में बड़े स्तर पर बदलाव होता नजर आ रहा है, आने वाले समय में चीजें बहुत अलग होती नजर आ रही है। क्या कुछ आगे और अपडेट रहेगा, इस पर लगातार हम बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी को प्रियंका गांधी ने संभाला, तो यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के काबिल प्रियंका गांधी है। बहुत सारे दर्शकों ने ये बोला भी था कि पार्टी का अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो उसके काबिल भी हैं। तो वाकई में प्रियंका गांधी ने जिस तरह काम किया है, जिस तरह वो काम कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष वो बन सकती है। हालांकि ये तो सोनिया गांधी को तय करना है, कांग्रेस पार्टी आलाकमान को तय करना है कि प्रियंका गांधी को क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्या जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी देना मतलब कांग्रेस पार्टी के भविष्य को सुधारना, कांग्रेस पार्टी को ऊपर लेकर जाना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस वक्त अगर कोई ऊपर लेकर जा रहा है तो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी हैं, खुद सोनिया गांधी हैं, पार्टी के सभी नेता हैं। तो इस वक्त मिलजुल कर काम किया जा रहा है और यूनिटी में, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। यही एकता है जो कांग्रेस पार्टी को ऊपर तक लेकर जाएगी, यही एकता है जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति को मजबूत करेगी। तो फिलहाल पार्टी जो पहले टूट रही थी, जो पार्टी पहले भटक गई थी, पार्टी के नेता कुछ और बोलते थे, पार्टी आलाकमान का फैसला कुछ और होता था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और काफी हद तक समर्थन। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।